आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, यदि आपके रोज के प्लांट में फ्लावर नहीं बन रहे तो किस स्टेप को आप फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा जो है अपने पॉट में, रोज के प्लांट के पॉट में ज्यादा से ज्यादा फ्लावर पाएंगे। साथ ही साथ यदि किसी का फ्लावर बन रहा हो तो उसका साइज यदि छोटा हो फ्लावर का, तो किन किन स्टेप को फॉलो करके आप जो है रोज के फ्लावर को बड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर यूज करना है जो कि आपके रोज प्लांट को बिल्कुल आसानी से वो एब्जॉर्ब कर सके और वो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग दे सके। ये जो मैं आपको बताऊंगा, ये सभी सीजन में आप इस चीज को अप्लाई करके हमेशा अपने घर पे जो है रोज को पा सकते हैं। चाहे आप गर्मी के सीजन पे आप इसे देख रहे हो, या ठंडे के सीजन पे, या फिर बरसात के सीजन पे, इस स्टेप को आप यदि फॉलो करेंगे तो आपको हर सीजन जो है हर टाइम आपके घर में जो है गुलाब अवेलेबल रहेगा। तो किन किन स्टेप को फॉलो करना है आइए हम आपको कंप्लीट बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है हमारे रोज के प्लांट में रोज आया हुआ है। इस प्लांट पे दो रोज है, साथ ही साथ एक आने वाला है, और कुछ दिनों पहले देख सकते हैं कितना ज्यादा फ्लावरिंग हुआ था। यहाँ से भी हुआ है, यहाँ से भी हुआ है, आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ, यहाँ भी है, वहां भी है, और भी बहुत सारे जो है हमारे रोज के फ्लावर इसमें आए हुए थे। लेकिन जो आज जो खिला है वो दो फ्लावर इस पे खिला है, साथ ही साथ इसमें जो है तीन रोज का फ्लावर खिला हुआ है। बाकी आने वाले टाइम में देख सकते हैं अभी न्यू जो कलियां आ रहे हैं, यहाँ जो न्यू कलियां आ रहे हैं इससे भी जो है मुझे फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो है चेरी रोज देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ज्यादा एक बार में फ्लावरिंग होता है, एक बार में 6 से 7 फ्लावर आपको इस वाले प्लांट में देखने को मिलेगा। तो एक जो प्लांट पे मैं ये सारा चीज करके आपको बताऊंगा, जस्ट इसी को फॉलो करके आप अपने जो है सभी पॉट में, रोज के प्लांट के पॉट में इस चीज को करके आप जो है ज्यादा से ज्यादा रोज पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट पे जो है करके उस सारे टिप्स को करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस पॉट पे चले जाते हैं। हमारा रोज का प्लांट है, ये करीब 3 साल पुराना है, और देख सकते हैं अभी तक जो है ये बड़ा नहीं हुआ है। कैसे बड़ा नहीं हुआ है, बड़ा नहीं होने के बावजूद ये हमेशा रोज देता है। किस स्टेप को आप फॉलो करेंगे, आप चाहते हैं कि आपके प्लांट जल्दी से बड़े हो जाए और उसमें फ्लावरिंग ही नहीं हो, तो ये फायदा नहीं है। फायदा ये है कि आप छोटे से प्लांट में ज्यादा से ज्यादा गुलाब कैसे लेंगे, ये चीज पहले आप समझिए। देख सकते हैं इसको जो है मैंने किस तरीके से कटिंग से ग्रो किया था, और ये बिल्कुल जो है आसानी से ग्रो भी हो रहा है, और ये ज्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे से है, लेकिन हमेशा जो है इस पे 3 से 4 गुलाब इस प्लांट में हमें देखने को मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जैसे कि आप देखेंगे ये वाला जो फ्लावर है कुछ दिन पहले इसमें जो फ्लावरिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या इसमें और फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, कुछ इस तरीके से जो है बस सिर्फ इसमें लीफ है और इसे फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। तो सिंपली सबसे पहले आप ऐसा कोशिश कीजिए कि यदि जिससे फ्लावर एक बार आ गया हो, जिस स्टेम से एक बार फ्लावर आ गया हो, उस स्टेम का आप कटिंग कर दीजिए, जिसको क्या आप सिंपली भाषा में रोज में पर्निंग कहते हैं, तो आप इसका पर्निंग कर दीजिए। देख लीजिए इस पे जो फ्लावर आया हुआ था इस पे जो है फिर से फ्लावर नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरीके से इसमें भी फ्लावरिंग हुआ था लेकिन उसके बाद जो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है उसमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, साथ ही साथ इधर जो फ्लावरिंग हुआ था उसमें भी फ्लावरिंग अब दोबारा नहीं हो रहा है। तो सिंपली सबसे पहले आप ऐसा सिलेक्ट कीजिए जिसमें फ्लावर आया हुआ है और उसके बाद नहीं आ रहा है, तो उसको सिंपली कटिंग कर दीजिए, पर्निंग कर दीजिए। तो आप सिंपली जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, इसको जो पर्निंग का सिस्टम मैंने बताया वो पहले पर्निंग कर लीजिए। अब मान लीजिए किसी का ऐसा गुलाब का प्लांट है जो कि शुरू से उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, आपने बहुत चीज यूज कर लिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, पर्निंग कर लिया, उसके बाद भी आपके रोज के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रहा, तो किन किन स्टेप को फॉलो करके आप जो है फिर से रोज अपने बगीचे पे, होम गार्डन पे उगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो क्या कीजिए, यदि किसी के प्लांट में जो फ्लावर नहीं आ रहा तो आप सबसे पहले उसका जो है पर्निंग कर दीजिए, शुरू से लास्ट तक आप उसका पर्निंग कर दीजिए। तो अभी मैं आपको पर्निंग करने के बाद बताता हूँ, जैसे कि जिसमें मुझे रोज एक बार मिला है दोबारा नहीं मिल रहा है, तो सिंपली सबसे पहले उसको ना पर्निंग कर लेते हैं। चलिए हम लोग एक बार पर्निंग इसका कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगला स्टेप के लिए कि अगला स्टेप हमें क्या करना चाहिए। मैंने इसका पर्निंग कर दिया है, देख सकते हैं इधर वाले जो स्टेम थे उसका मैंने पर्निंग कर दिया है, कुछ इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे जो है आपको यहाँ पे पर्निंग करना है। देख सकते हैं मैंने तीनों स्टेम पे पर्निंग कर दिया है। अब सिंपली पर्निंग करने के बाद इसमें से आप थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया फिर वायरस का इन्फेक्शन ना हो, और इसमें से फिर जो है आपको स्टेम निकले और ज्यादा फ्लावर मिले। तो इसी स्टेप को फॉलो करके, पर्निंग के स्टेप को फॉलो करके मैं आप देख सकते हैं कि 3 साल पुराना होते हुए भी मुझे जो है प्लांट ज्यादा बड़ा नहीं है,
है, बल्कि जो जो स्टेप इससे फिर निकलेंगे फिर कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग मुझे देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेप जो है आप उसका पर्निंग कीजिए। अब दूसरा स्टेप जो आपने अपने पॉट के अंदर करना वो पहले थोड़ी से समझिए। मैं देखिए यूज किया हुआ 10 इंच का पॉट में। यदि आप किसी प्रकार के सीजनल फ्लावर लगाते हैं अपने होम गार्डन के अंदर तो उसको छोटे से पॉट में भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप गुलाब लगा रहे हैं, कुछ ऐसा फ्लावर प्लांट लगा रहे हैं जो कि आपको हमेशा सालों भर ये मेरा प्लांट रहेगा, उसमें फ्लावरिंग होगा, तो कोशिश कीजिए कि उसको बड़े से पॉट में लगाने का। इससे क्या होगा कि उसको जो है उस प्लांट को ज्यादा एनर्जी मिलेगा और वो आपके फ्लावर जो है ज्यादा ब्लूम करेंगे। अब बात आता है नेक्स्ट स्टेप, हमें अपने प्लांट के अंदर क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं मेरा जो सोयल है कुछ इस तरीके का हो चुका है एक बार फ्लावरिंग होने के बाद। तो सिंपली सबसे पहले आप उसका क्या कीजिए, 1 से 1.5 इंच तक उसका खुदाई कीजिए। मैं जिस तरीके से खुदाई कर रहा हूँ साइड साइड से खुदाई करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे बीच में नहीं करना, नहीं तो इसका जो जड़ है वो कटने का डर रहता है। तो सिंपली इसका जो साइड साइड है उसका जो है सोयल को आप 1 से 1.5 इंच तक जो है आप कुछ इस तरीके से खुदाई कीजिए। ये स्टेप जो है खुदाई वाला स्टेप हर 15 से 20 दिन में, जैसे कि आप एक बार रोज जैसे आ गया इसका जब ये रोज मर जाएगा जब हम लोग इसका पर्निंग करेंगे, तो आप एक स्टेप जो है इस स्टेप को आप हमेशा कीजिएगा कि ये जो खुदाई वाला जो प्रोसेस है कि हर 15 से 20 दिन में जब भी आप एक भी स्टेम को पर्निंग करेंगे उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से जो है इस तरीके का खुदाई करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने जो इसका अभी खुदाई कर दिया। खुदाई करने के बाद मैं जो क्या डालता हूँ जो कि हमारे रोज प्लांट में हमेशा फ्लावरिंग रहता है, तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे जो है बोन मील। बोन मील जो कि इजिली आपके नर्सरी पे मिल जाएगा, इसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होता है जिससे आपकी फ्लावरिंग का साइज ज्यादा होता है, और साथ ही साथ इसमें जो कली भी आता है वो ज्यादा घने आते हैं, ज्यादा मोटे आते हैं। देख सकते हैं इसका कली कितने मोटा है और इसका फ्लावरिंग का साइज देख सकते हैं आप। मैं इसको जूम करके आपको यदि दिखाऊं तो ये बहुत ही बड़ा है। मैं जूम करके एक जो है स्क्रीन शॉट अपने यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं इतने बड़े साइज में आपको गुलाब देखने को मिलेगा। तो इस बोन मील का यूज कैसे करते हैं, तो सिंपली जब आप इसका खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद जो है इसको इस तरीके से थोड़ा सा सोयल निकाल करके कुछ, यदि आप 10 इंच 12 इंच के पॉट में लगा रहे हैं तो 1 चम्मच जो है बोन मील आप अपने प्लांट में डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर डाल दिया। उसके बाद जो इसको सिंपली जो है सोयल को ढक देना है कुछ इस तरीके से, सॉरी बोन मील को ढक देना है कुछ इस तरीके से भी थोड़ा सा यहाँ पे दे देना है। मैंने दोनों साइड जो है 1-1 चम्मच करके यहाँ पे डाला है बोन मील। तो ये जो बोन मील का प्रोसेस है ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा आपके गुलाब के प्लांट में, और इसका कीमत भी ज्यादा नहीं है। आप लोकल नर्सरी से लेंगे तो 25 से 30 रुपए पैकेट मिल जाएगा। ये जो है हाफ पैकेट का है, एक पैकेट का जो है आधा आधा मैंने और भी रखा हुआ अलग जगह पे। यदि आपके लोकल नर्सरी पे ये नहीं मिलता है तो ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका 1 kg का कीमत आपको पड़ेगा 175 रुपए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। अब बात आता है कि ये बोन मील मैंने डाल दिया, उसके बाद कौन सा स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो इसके बाद जो है आप सिंपली अपने होम गार्डन पे जो मैं यूज करता हूँ वो कुछ इस तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करता हूँ, सीवेट लिक्विड फर्टिलाइजर। इसमें क्या होता है जो इंक्रीज फ्लावरिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लावर फॉल। यदि आप किसी भी प्रकार के फ्लावर लगाए उसका फ्लावरिंग बार बार टूट जा रहा है और आपके किसी प्लांट में फूल नहीं बन रहा है तो ये जबरदस्त रिजल्ट देगा 7 से 8 दिन में अपने प्लांट में। तो लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज कैसे करते हैं अगर नहीं पता तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिए। तो इन स्टेप को फॉलो करके, इन सब स्टेप को फॉलो करके आप बिल्कुल हमारे जैसे जो है रोज पा सकते हैं किसी भी सीजन में, चाहे वो गर्मी रहे, बरसात रहे, चाहे ठंडी रहे, आप हर सीजन में जो है बिल्कुल गुलाब पाएंगे और वो भी बड़े साइज पे और वो भी बिल्कुल हेल्थी वाले। तो हम लोग मिलते हैं अगला कुछ गार्डन का टिप्स लेकर के। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर इस टाइप का वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।